दोस्तों ये प्रॉब्ली सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए और हमारे लिए भी हमेशा यही होता है। बहुत सारे दूसरे वीडियोस में भी कमेंट आते हैं कि आपके जो स्मार्टफोन बाइंग गाइड या दूसरे बाइंग गाइड्स होते हैं हमें बहुत अच्छे लगते हैं, उसका बहुत फायदा होता है और इसीलिए हर साल करते हैं, वैसे ही इस साल भी करेंगे लेकिन इस टाइम थोड़ा डिफरेंट होने वाला है। पिछले 4-5 साल से हमने जो बेसिक्स है वो सब बताए हुए हैं, हम लिटरली ड्रिल डाउन करेंगे जो प्राइस कैटेगरीज है उसके ऊपर, मतलब 10,000 के नीचे क्या क्या होना चाहिए, 15,000, 20,000, 30,000, 40,000 फ्लैगशिप में हर एक ड्रिल डाउन करके आपको बताएंगे कि जब आप इतने पैसे खर्चे कर रहे हो तो आपको क्या क्या मिलना चाहिए और इंपॉर्टेंट चीजें क्या है। साथ में कुछ डिस्क्लेमर्स भी है, वार्निंग्स भी है और कुछ सजेशंस भी देने वाला हूं। थोड़े सजेशन से पहले स्टार्ट करते हैं दोस्तों, लेकिन उसके पहले एक सजेशन दोस्तों, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। या दोस्तों आपके लिए करते हैं एंड एक बात कहूं, फायदा भी होता है आपको, बहुत लोगों को फायदा होता है लेकिन सब्सक्राइब इज द ओनली थिंग वी आस्क फॉर। और वीडियो देखने के बाद अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक कीजिए, बट सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अलग अलग टाइप के वीडियोस आपके लिए लेके आ रहे हैं। ऑलराइट, पहले एक 3-4 सजेशंस आपको देता हूं जो बहुत ही बेसिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर 6 महीने 12 महीने में फोन अपग्रेड करने की जरूरत नहीं है। स्पेशली मैं बहुत सारे लोग देखता हूं जो हमें सवाल पूछते हैं वीडियोस में कि मैंने एक स्मार्टफोन लिया हुआ है, फॉर एग्जांपल सैमसंग S23 लिया हुआ है, क्या मैंने अपग्रेड करना चाहिए नेक्स्ट जनरेशन। एक बात कहूं, कम से कम ना 1.5 से 2 साल आपने फोन इस्तेमाल करना चाहिए, तो इंक्रीमेंटल अपडेट यानी नेक्स्ट जनरेशन का इमीडिएटली लिया। आईफोन 11 के बाद में 12 लिया, 13 लिया, 14 जरूरत नहीं है। अगर आपने आईफोन 15 लिया तो 16 के पास मत देखिए, स्किप कीजिए एक जनरेशन एंड 17 ले लीजिए। आई थिंक दैट इज द बेस्ट थिंग, क्योंकि आजकल के जो फोन है दोस्तों 2 साल आराम से चलते हैं विदाउट एनी इश्यूज। मतलब आप लोअर बजट में भी लीजिए, 10-15-20 हजार के भी फोन आप आराम से 2 साल इस्तेमाल कर पाओगे। और मैं बताने वाला हूँ कि जब आप हर एक बजट में फोन लेते हो तो आपने क्या क्या देखना चाहिए। लेट्स स्टार्ट। वैसे क्विकली आईफोन को आउट ऑफ द वे कर देते हैं दोस्तों, अब अगर 2024 या अभी आप बाय कर रहे हो इस साल में आईफोन, तो प्लीज आईफोन 12 11 मत बाय कीजिए, कितना भी सस्ता मिलने दीजिए उसका कुछ फायदा नहीं है। कम से कम आईफोन 13, बट आइडियली आपने आईफोन 14 लेना चाहिए, क्योंकि आईफोन 15 इज द करंट जनरेशन और पुराने फोन पे, एक जनरेशन पुराने फोन पे बहुत अच्छे प्राइजेस मिल रहे हैं, दे आर मोर वैल्यू फॉर मनी। तो मैं कहूंगा आइडियली 2024 में बाय कर रहे हो तो आईफोन 14 लीजिए। तो चलिए, आपका बजट जो है 10,000 का है तो क्या क्या होना चाहिए उस फोन में। एक बात कहूं, 4G फोन आप स्किप कीजिए दोस्तों, जरूरत नहीं है 4G फोन की, सब जगह पे 5G आ गया। अगर आपके जगह पे जहां पे आप रहते हो वहां पे नहीं आया तो बहुत जल्दी आ जाएगा, प्लीज गो फॉर 5G फोन्स ओनली। 4G फेज आउट हो रहा है और वो भी क्योंकि आप 1.5 साल इस्तेमाल करने वाले, 2 साल इस्तेमाल करने वाले, तब तक तो 5G आ जाएगा। तो 5G होना चाहिए, कम से कम 128GB, 64GB स्टोरेज का जमाना चला गया, 128GB आप होना चाहिए। और वो भी स्टोरेज टाइप के पास ध्यान दीजिए, क्योंकि EMMC वगैरह स्टोरेज टाइप आप नहीं होना चाहिए इवन इन अ 10,000 रुपी फोन। UFS 2.2 कम से कम होना चाहिए। अगर परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं तो Qualcomm Snapdragon 695 प्रोसेसर वगैरह होना चाहिए, या फिर Dimensity का 6080 जो बेसिकली रीब्रांडेड है, 810 जो पहले हुआ करता था। बेसिकली ऐसा फोन लीजिए जिसका अंतुदु स्कोर 3.5 लाख के ऊपर हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि परफॉर्मेंस की वजह से ही फोन चलता है। अगर पहले ही CPU ज्यादा पावरफुल नहीं होगा तो आप ज्यादा दिन तक फोन इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, तो परफॉर्मेंस की तरफ ध्यान दीजिए। डिस्प्ले में 90Hz होना चाहिए, फुल HD होगा तो अच्छा है लेकिन नहीं मिलते हैं, इसलिए मैं HD+ कह रहा हूँ, बट HD+ नहीं, प्लीज गो फॉर FHD। अगर नहीं मिलता है तो कम से कम HD+ एंड 90Hz की स्क्रीन होनी चाहिए। देखिए अब 10,000 के नीचे ज्यादा नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन 5000 mAh की बैटरी होनी चाहिए, 20-33W चार्जिंग होगा तो अच्छा है। फोन 10,000 के नीचे वो जो 33W चार्जिंग देते हैं, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर होना चाहिए, पीछे जो होता है वो नहीं, बिल्कुल नहीं, उसमें जायरोस्कोप भी होना चाहिए, फिजिकल जायरोस्कोप, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 10,000 के फोन में कभी कभी गायब कर देते हैं, तो वो होना चाहिए। एंड्रॉइड 14 आउट ऑफ द बॉक्स होना चाहिए, 1 साल के कम से कम अपडेट मिलने चाहिए। और एक बात कहूं, UI के पास ध्यान दीजिए, क्लीन UI होना चाहिए, 10,000 के नीचे बहुत ज्यादा ब्लोटवेयर डालते हैं, थोड़े बहुत होंगे तो ठीक है, और यही सब चीजें हम हमारे अनबॉक्सिंग में भी बताते हैं आपको, सो दैट यू हैव अ क्लियर आइडिया वेदर यू शुड गो फॉर अ फोन और नॉट। अगर आपका बजट 15,000 का है तो 128GB अगेन होना चाहिए एंड 8GB रैम। 10,000 के नीचे 4GB 6GB आइडियली होना चाहिए, बट 4GB होगा तो भी ठीक है, 4 128 कॉम्बिनेशन, लेकिन 15,000 के फोन में 8 128 होना चाहिए। बाकी सब चीजें अच्छी है तो 6 128 के लिए आप जा सकते हो, बट आइडियली 8 128 होना चाहिए। AMOLED डिस्प्ले होना चाहिए, 90Hz होगा तो भी ठीक है, बट AMOLED डिस्प्ले बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, FHD+ होगा तो कम से कम 120Hz होना चाहिए। Yes. और अगर IPS डिस्प्ले है, AMOLED नहीं है, तो 120Hz कम से कम होना चाहिए। अगर स्टीरियो स्पीकर्स होंगे, मल्टीमीडिया आप ज्यादा देख रहे हो तो उस हिसाब से देखिए। वैसे दोस्तों हमारे जो पुराने स्मार्टफोन गाइड है वो भी जरूर देखिए, उधर मैंने बताया हुआ है आपको कि चेकलिस्ट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा आप फोन पे क्या करते हो, आपने जो भी 2-3 साल से फोन इस्तेमाल किए सबसे ज्यादा क्या है, मल्टीमीडिया इस्तेमाल करते हो, फोन कॉल ज्यादा करते हो, बैटरी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, परफॉर्मेंस गेमिंग ज्यादा करते हो, तो ऐसे लिस्ट कीजिए टॉप के जो 3-4-5 चीज
चीजें होते हैं उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल मत कीजिएगा। जनरली 15,000 के नीचे साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर होता है वो ठीक है, बट अगर इन डिस्प्ले होगा तो ज्यादा अच्छा है। अब दोस्तों जब मैं अंडर 10,000 का फोन के बारे में बात कर रहा था तो मैंने कैमरा के बारे में नहीं बताया बिकॉज यू डोंट एक्सपेक्ट मच, लेकिन एक जो प्राइमरी सेंसर होना चाहिए वो अच्छा होना चाहिए। अगर 15,000 के नीचे तो डुअल या ट्रिपल कैमरा सेटअप होना चाहिए, 2 मेगापिक्सल के जो सेकेंडरी सेंसर वगैरह होते हैं प्लीज अवॉइड दैट। अगर ऐसे होगा कि भाई 50+8 तो बहुत अच्छा है, मिलते नहीं है बट ट्राई फॉर दैट। अब 2023 में एक चीज हो गई थी कि अल्ट्रा वाइड सेंसर निकाल रहे थे, उसके पास ध्यान दीजिए, अल्ट्रा वाइड इज इंपॉर्टेंट इवन इन अ 15,000 रुपए फोन। एंड अपडेट जैसे मैंने कहा, एक साल का कम से कम मेजर अपडेट होना चाहिए, आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 14 आना चाहिए, सो एंड्रॉइड 14 एंड 15 बिकॉज जनरली यूज फॉर 2 ईयर्स तो अपडेट मिल जाते हैं, बट 15,000 और 10,000 में कम से कम एक साल का तो चाहिए। अगर ब्रांड प्रॉमिस नहीं करता है अवॉइड दैट फोन, एक साल का मेजर अपडेट It should be there. चलिए अब 20,000 की तरफ बढ़ते हैं। स्टोरेज जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके पास आप ध्यान दीजिए। अगर मैं 20,000 का फोन लेता हूँ तो आई विल से गो फॉर 256 GB, बहुत इंपॉर्टेंट है। और हाँ, कम से कम 8 GB रैम होनी चाहिए, 12/256 होगा तो और भी अच्छा। UFS 2.2 कम से कम होना चाहिए, वेदर इट इज 15,000 रुपी फोन और 20,000 रुपी फोन। परफॉर्मेंस के लिए कम से कम Qualcomm Snapdragon 778 होना चाहिए या Dimensity 7050 या लेटेस्ट 7S Gen 2 जिसका अंतुदु स्कोर बेसिकली 5.5 लाख के ऊपर हो। परफॉर्मेंस के लिए 20,000 में इतना तो होना ही चाहिए। फास्ट चार्जिंग अब इधर इंपॉर्टेंट हो जाती है, कम से कम 65 वॉट फास्ट चार्जिंग होना चाहिए। अगर ये 20,000 या 20-22,000 का फोन है तो कम से कम 2 ईयर्स मेजर अपडेट्स यू शुड गेट, एंड्रॉइड 14 आउट ऑफ द बॉक्स है। एंड कैमरा सेटअप में भी कम से कम डुअल या ट्रिपल कैमरा सेटअप होना चाहिए, बट अल्ट्रा वाइड इज अ मस्ट इन अ 20,000 रुपी फोन। और अगर आप फोटोग्राफी बहुत ज्यादा करते हो या वीडियोग्राफी करते हो तो OIS के पास ध्यान दीजिएगा, OIS शुड बी देयर। अब दोस्तों बढ़ते हैं 30,000 अंडर 30,000, 20 से 30,000 के बीच वाले फोन। बट एक बात कहूं, आजकल 30,000 में भी इतने ज्यादा फीचर्स आने लग गए, इतना ज्यादा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर आपको मिल रहा है। अगर आप एक नॉर्मल यूजर हो, यू नो जो 90% लोग होते हैं, फोन कॉल, वीडियो देखना, थोड़े बहुत एप्स वगैरह इस्तेमाल करना, छोटे मोटे गेम्स खेलना, मैं एक बात कहूं, 30,000 के जो फोन है दे आर मोर देन इनफ, उससे ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत ही नहीं है। और इधर क्या आपने देखना चाहिए, इधर 256 GB स्टोरेज होना चाहिए कम से कम, बट 8/256 वेरियंट होना चाहिए, UFS 3.1 स्टोरेज टाइप इधर होना चाहिए, परफॉर्मेंस के लिए ऐसा CPU होना चाहिए जो कम से कम आपको 800,000 से 1,000,000 तक स्कोर दे, अंतुदु स्कोर, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें तो AMOLED 120Hz होना ही चाहिए, there is no question about it। Curved screen वगैरह होगा तो ज़्यादा अच्छा है। अगर आप gaming करते हो तो flat screen आप prefer कर सकते हो, लेकिन दिखने को अच्छा चाहिए तो curved screen भी 30,000 के नीचे मिलता है आपको। और हाँ, आजकल दोस्तों 30,000 में FHD+ तो बहुत सारे मिलते ही है, there is no question, but आजकल 1.5K resolution वाले display मिलने लगे तो उन्हें prefer कीजिए। मल्टीमीडिया के लिए Dolby Atmos, Dolby Vision, जी हाँ फोन्स मिल रहे हैं इसके साथ, आपने वो देखना चाहिए, especially मल्टीमीडिया ज्यादा कंज्यूम करते हो तो। ड्यूरेबिलिटी में इधर दोस्तों ग्लास बैक होनी चाहिए, दिया बहुत सारे आते हैं PMMA मटेरियल, प्लास्टिक मटेरियल, बट नहीं, प्रीफर ग्लास बैक, ग्लास मेटल सैंडविच डिजाइन होगा तो और भी अच्छा। अब कैमरा सेंसर की तरफ ही नहीं दोस्तों, कैमरा की क्वालिटी भी चेक कीजिए, इसीलिए हमारे अनबॉक्सिंग में हमेशा ओरिजिनल क्वालिटी में हम जी ड्राइव पे सेव करके बहुत सारे फोटोज आपको दिखाते हैं, दैट इज द रीजन, चेक कैमरा क्वालिटी। स्मार्टफोन में कैमरा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, एंड एवरीवन, वेदर यू आर अ फोटोग्राफर, आप ज्यादा फोटोज निकालते हो नहीं निकालते हो, बट जब भी निकालते हो अच्छा फोटो आना चाहिए, तो 30,000 के नीचे अच्छे कैमरा वाला ही स्मार्टफोन लीजिएगा। एंड वीडियोग्राफी के लिए इसमें 4K होना चाहिए, 15,000-20,000 रुपी फोन में 1080p FHD आप शूट कर सकते हो ठीक है, 30,000 में 4K शूट होना चाहिए, 4K 30fps मिनिमम, एंड गुड टू हैव वायरलेस चार्जिंग। कुछ कुछ फोन ही हैं, बट अगर आपको वो इंपॉर्टेंट है उसके पास देखिए, IP सर्टिफिकेशन के पास देखिए, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। एंड फास्ट चार्जिंग तो होना ही चाहिए, 65 वॉट 80 वॉट चार्जिंग कम से कम होना चाहिए, एंड 5,000 mAh की बैटरी, सो दैट इज व्हाट इज देयर। और सेंसर्स में भी IR ब्लास्टर, NFC है या नहीं टैप एंड पे के लिए, ये सब चीजें छोटी छोटी चीजें हैं, बट ध्यान जरूर दीजिएगा बाय करते समय। कैमरा में एक भूल गया दोस्तों, इधर अल्ट्रा वाइड तो होना चाहिए बट टेलीफोटो भी होना चाहिए, एटलीस्ट 2x 3x ऑप्टिकल जूम होगा, आपको पता चलेगा डिफरेंस, यू नो यू लव दैट कैमरा। जैसे मैंने कहा 30,000 तक जो फोन्स है ना 90% लोगों के लिए इनफ है, अब ये सब इंक्रीमेंटल हो गया। अगर 40,000 आपका बजट है, 12 GB रैम होनी चाहिए, 256 GB कम से कम स्टोरेज होना चाहिए, एंड वो भी UFS 4.0 अगर होगा तो बहुत ही अच्छा, अंतुदु स्कोर 1.5-1.6 मिलियन के ऊपर होना चाहिए, ऐसी चिपसेट होनी चाहिए उसके अंदर। डिस्प्ले में 2K तो नहीं बट 1.5K प्लस कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले, 120Hz द वर्क्स, ये सब चीजें होना चाहिए। और हाँ, 10-bit डिस्प्ले होना चाहिए। ब्राइटनेस के पास भी ध्यान दीजिए, कम से कम जो हाई ब्राइटनेस मोड होता है HBM, दैट शुड भी 1200-1500 या उसके ऊपर होना चाहिए। ग्लास मेटल डिजाइन, इट हैज टू बी देयर इन अ 40,000 रुपी फोन। और हाँ,
100 वॉट, 80 वॉट, 120 वॉट चार्जिंग कम से कम होना चाहिए, उस 80 वॉट के नीचे तो नहीं, बिल्कुल नहीं। आफ्टर ऑल यू आर पेइंग 40,000 रुपीज। और किसने बाय करना चाहिए 40,000 का फोन? मैंने कहा कि 30,000, यू नो यू गेट एवरीथिंग, बट 2 साल के लिए ठीक है। अगर आप 3, 4, 5 साल के लिए इस्तेमाल करने वाले हो, देन यू लुक एट 40,000 रुपीज फोन, बिकॉज यू आर गेटिंग दैट मच एक्स्ट्रा, और उतना ज्यादा आप इस्तेमाल कर पाओगे फोन को। कैमरा में दोस्तों अल्ट्रा वाइड, टेलीफोटो होना चाहिए, 4K, 30 FPS, इनफैक्ट 60 FPS होना चाहिए, 30 होगा ठीक है, बट 60 FPS इज आइडियल। एंड इधर अपडेट्स कम से कम 3 साल के मेजर अपडेट्स, 3 साल के मेजर, 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स, एंड एंड्रॉइड 14 आउट ऑफ द बॉक्स। क्लीन यूआई के पास भी ध्यान दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब 30,000-40,000 रुपए खर्चा कर रहे हो, यू डोंट वांट ब्लोटवेयर्स ऑन योर फोन, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। इधर आईपी रेटिंग इज अ मस्ट, IP67, 68 होना चाहिए। वायरलेस चार्जिंग है तो बहुत अच्छा है, बट 40,000 में आपको मिलता है, सो वायरलेस चार्जिंग, आईपी रेटिंग, NFC, आयर ब्लास्टर, ये सब जो छोटी छोटी चीज है सब कुछ होनी चाहिए। अब दोस्तों आप अगर गेमर हो, बहुत ही पावरफुल लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट फोन चाहिए, या फिर आपके पास बजट का कोई इशू नहीं है, यू कैन बाय, देन यू शुड लुक एट दीस फोन्स, फ्लैगशिप फोन्स। अब फ्लैगशिप में क्या होना चाहिए, 16 GB रैम इज अ मस्ट नाउ, 256 GB स्टोरेज इज अ मस्ट, 512 अगर लेते हो तो बहुत ही अच्छा। अंतुदु स्कोर 2 मिलियन के करीब या उससे ज्यादा होना चाहिए, ऐसी चिपसेट होनी चाहिए लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अभी 8 Gen 3 है, अगर आप फ्लैगशिप बाय कर रहे हो तो फ्लैगशिप चिपसेट होनी चाहिए उसके अंदर। और इधर QHD+, मतलब 2K स्क्रीन होनी चाहिए, 120Hz फास्ट रिफ्रेश रेट होना चाहिए, 10-bit, 12-bit डिस्प्ले होगा तो और भी अच्छा। मल्टीमीडिया के लिए डॉल्बी विजन, डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट होना चाहिए, स्टीरियो स्पीकर्स तो आर अ मस्ट। लेकिन एक चीज के बाद स्पेसिफिकली आप ध्यान रखिए, जब आप फ्लैगशिप ले रहे हो दोस्तों, AI के फीचर्स कौन से हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट आने वाले दिनों में AI बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, एंड दैट यू शुड डेफिनेटली लुक एट। प्रीमियम बिल्ड, प्रीमियम कैमरा, ट्रिपल कैमरा सेटअप होना चाहिए, पेरिस्कोप होना चाहिए दोस्तों, फ्लैगशिप ले रहे हो, आजकल पेरिस्कोप शुड बी देयर ऑन अ फ्लैगशिप फोन। सो 3x, 5x आपको जो ऑप्टिकल जूम मिलता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और कैमरा में ये भी ध्यान रखिए कि सेंसर्स कौन से हैं, 1-inch सेंसर होगा तो यू विल गेट मच बेटर फोटोग्राफ्स, तो वो देखिए। प्रोसेसिंग आपके फोटोज की कैसी होती है, AI का यूज होता है या नहीं, ये सब चीजें जो है इसके पास जरूर ध्यान दीजिएगा। एंड वीडियोग्राफी के लिए इधर तो 8K का सपोर्ट होना ही चाहिए, 4K 60 FPS इज बाय डिफॉल्ट। और बाकी सब चीजें जो मैंने कही, वायरलेस चार्जिंग, IP68, NFC, IR ब्लास्टर, 120, 160, 200 वॉट चार्जिंग, ये सब होना चाहिए। 100 वॉट के नीचे तो चार्जिंग इन अ फ्लैगशिप फोन शुड नॉट बी देयर, बट क्या करें, एप्पल एंड सैमसंग आर एक्सेप्शंस, जी वो जाते ही नहीं आगे, बट दूसरे फोन्स ले रहे हो तो 100 वॉट और अबाव। और अगर 40,000 के ऊपर ही आप देख रहे हो, थोड़ा यू नो आपको बाहर जाके दिखाना है, यार ये देखो ये नया फोन लिया, तो फोल्डेबल फ्लिपेबल फोन के पास भी जरूर देखिएगा। स्पेशली फोल्ड वगैरह जो फोन है जिसकी बड़ी स्क्रीन होती है अंदर से, वो प्रोडक्टिविटी मॉन्स्टर होता है। आपको एक तो बड़े 2 स्क्रीन्स मिलते हैं, और अंदर की जो मेन स्क्रीन है मल्टीमीडिया बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हो, या फिर आप क्रिएटिव हो, बहुत सारी चीजें आप लिखते हो, ड्रॉ करते हो, उस टाइम बहुत फायदा होता है, स्पेशली फोल्ड 5 के जैसे, जहां पे आप एस पेन वगैरह भी इस्तेमाल कर सकते हो। सो लुक एट दैट, अगर आपको कॉम्पैक्ट कुछ चाहिए, देन लुक एट अ फ्लिपेबल फोन। तो ये था अलग अलग बजट में, और एक दो चीजें हैं दोस्तों। एक तो आप 64 GB अवॉइड, 4G अवॉइड, ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। वैसे ही एंड्रॉइड 13 आउट ऑफ द बॉक्स is not acceptable anymore. Android 14 होना ही चाहिए। और हर एक स्मार्टफोन बाइंग गाइड में मैंने ये चीज कही हुई है कि प्लीज आप जब बजट सेट करते हो उसके आगे मत जाइए, डोंट स्ट्रेच इट, अरे ये EMI ये इतना अच्छा मिल रहा है, नहीं, आपका बजट 30,000 का है, डोंट गो एंड बाय 35,000-40,000 रुपी फोन, स्टिक टू इट। एक बात कहूं, आपको अच्छे फोन्स मिलेंगे आपके ही बजट में। एंड फाइनली, जब भी कोई फोन नया आता है, इमीडिएटली डोंट रन टू बाय, ऑफर्स होंगे, ये होंगे, वो ठीक है सब, लेकिन आप अलग अलग हमारे वीडियोस देखिए, हमारे जो दूसरे टेक क्रिएटर्स हैं उनके भी वीडियोस देखिए, टाइम स्पेंड कीजिए थोड़ा टू रिव्यू द फोन, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि लोग क्या कहते हैं उसके बारे में। एंड अपडेट्स के बारे में भी, जब अपडेट्स आता है इमीडिएटली अपडेट मत कीजिए फोन, ऑनलाइन जाइए, सोशल मीडिया पे जाइए कि कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा है, उसके बाद में ही अपडेट कीजिए। ये 2-3 चीजें ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो कैसा लगा दोस्तों स्मार्टफोन बाइंग गाइड, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए, उनका भी फायदा होगा, या वो भी टेक गुरुज हो जाएंगे, वो भी अपने फैमिली को बताएंगे और वो भी अच्छे फोन्स बाय करेंगे। सो डू इट राइट नाउ, शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।